एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपको मेरे वीडियो के टाइटल से पता चल चुका होगा कि इस वीडियो में मैं आज आपके लिए क्या लेकर आई हूँ। तो जी हाँ, आज मैं आपके लिए एक स्किन रिलेटेड वीडियो लेकर आई हूँ जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, और अगर आप यूज़ करेंगे तो। और मैं आपको इसलिए ये वीडियो बना रही हूँ क्योंकि ये पर्सनली मैंने यूज़ किया है, बिकॉज मुझे जुलाई से एक्ने प्रॉब्लम हो गया था। एक्चुअली क्या है कि मैं जब ज़्यादा ट्रैवल कर लेती हूँ तो मुझे एक्ने प्रॉब्लम या मेरे फेस पे डस्ट ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से मुझे पिंपल प्रॉब्लम हो जाती है। पिंपल के बाद वो मुझे एक्ने में कन्वर्ट हो जाता है। तो सेम ऐसा ही हुआ था जुलाई में। मैं बाहर गई थी और उसके बाद जब मैं आई तो मेरे फेस पे बहुत पिंपल्स हो गए थे, और मैंने सब कुछ ट्राई किया। मुझे कहीं ना कहीं सब कुछ जो मैंने आपको वीडियो बनाए हैं, मैंने सब कुछ ट्राई किया और मुझे हेल्प किया। लेकिन कहते हैं ना कि हेल्प तो किया, लेकिन वो उसी टाइम तक किया जब तक मैंने वो चीज़ अपने फेस पे अप्लाई किया तब तक। तो आज जो वीडियो में है, मैं आपको पैक बताने वाली हूँ, वो बहुत अच्छा है। और वो पिछले मैं 15 दिन से फॉलो कर रही हूँ और मुझे उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिला है। जैसे आप देख रहे हैं मेरे फेस पे एक्ने है, लेकिन इतना नहीं है, पहले बहुत ज़्यादा हो गया था। और 15 दिन का रिज़ल्ट ये है कि ये थोड़ा कम हो गया है मुझे एक्ने। और मैं आपको बताऊंगी, बहुत इजी है, लेकिन बस ये है कि आपको फॉलो करना है। और एक और चीज़ कि पिंपल जब हो तो आप उसको छुएं ना, हाथ ना लगाएं, क्योंकि वो जब हाथ लगाते हैं तो वो कहीं ना कहीं उसके दाग रह ही जाते हैं। मैंने अपने फेस पे, मेरे को जब पिंपल हुआ था तो मैंने कुछ अपने हाथ फेस पे हाथ नहीं लगाया था, लेकिन मुझे उसके दाग रह गए। और मैंने सब कुछ ट्राई किया, मुझे काफ़ी हद तक सारी चीज़ें फ़ायदेमंद किया मेरे लिए, मेरे फेस के लिए। लेकिन जो मैं आज आपको बता रही हूँ, इससे मुझे बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला है। और ऐसा भी नहीं है, मैंने आपको पहले ही कहा है कि मेरे जो भी स्किन रिलेटेड वीडियोज़ रहते हैं वो मैं पहले अपने ऊपर अप्लाई करती हूँ, उसके बाद ही मैं आपको बताती हूँ। तो ये मेरा खुद का अपनाया हुआ है, तो इसलिए मैंने सोचा कि आपको भी फ़ायदा होगा। बट इसके लिए आपको रेगुलर होना पड़ेगा, एक भी दिन मिस नहीं करना पड़ेगा। छोटे से छोटा एक्ने और बड़े से बड़ा एक्ने आपका ये पैक दूर कर देगा, बट आपको इसके लिए रेगुलर होना पड़ेगा। आपको रोज़ एक महीने तक लगाना पड़ेगा, एक महीने तक नहीं तो 20 दिन तो आपको एटलीस्ट लगाना ही पड़ेगा। मैं पिछले 15 दिन से लगा रही हूँ और मुझे उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिला है। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। मैं बताती हूँ कि इस पैक में आपको सिर्फ एक ही इंग्रेडिएंट की ज़रूरत है, और वो इंग्रेडिएंट है दाल। यस, मसूर की दाल जो ऑरेंज और रेडिश में होती है। अगर आपको नहीं मालूम है तो आप अपने घर पे अपनी मम्मी से पूछेंगे तो उनको ज़रूर मालूम होगा। तो वही, उसी दाल से आपको एक पैक बनाना है और पेस्ट बनाना है और अपने फेस पे लगाना है। तो वो दाल को आपको क्या करना है कि जो आपको अपने फेस के अकॉर्डिंगली आपको दाल रात को भिगो देना है, और रात को भिगोने के बाद उसको ओवरनाइट आपको ढक के, पानी डाल के उसको ढककर आपको सुबह तक रखे रहना है ओवरनाइट। और ओवरनाइट के बाद आपको उसको ग्राइंड करना है मिक्सी में, और उसको जब वो एकदम आराम अच्छा सा पेस्ट बन जाएगा तो आपको ऑल ओवर योर फेस आपको वो पेस्ट लगा लेना है। और जब तक ड्राई नहीं हो जाता है तब तक आपको अपने फेस पे वो पैक लगा के रखना है। तो चलो अब मैं आपको नेक्स्ट स्टेप में बताऊंगी कि मैंने ओवरनाइट भिगोया था। एक्चुअली ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मैं वैसे सुबह ये पैक लगाती हूँ, लेकिन आज थोड़ा मैं नहीं लगा पाई, मैं बिज़ी थी सुबह के टाइम, इसलिए मैंने ये अभी लगा रही हूँ। और अभी शाम के 7 बज रहे हैं और मैं ये डायरेक्ट वीडियो भी बना रही हूँ और डायरेक्ट मैं फेस पे भी लगाऊंगी, तो मेरे दोनों काम हो जाएंगे। आपको भी मैं बता दूंगी और मेरे फेस पे भी मैं लगा लूँगी। तो चलो अब मैं नेक्स्ट स्टेप में आपको बताती हूँ कि जो मैंने ओवरनाइट भिगोया था वो आपको मैं दिखाती हूँ कि वो कैसा है। तो आप देख रहे हैं, ये मैंने ओवरनाइट भिगोया था पानी में, और आपको अपनी क्वांटिटी उसके हिसाब से ही रखनी है, फेस के अकॉर्डिंगली आपको कितना लगाना है। और पानी मैंने डाल दिया है इसमें, आप जैसे देख रहे हैं, सेम आपको ऐसे ही रात को भिगोना है रोज़, और सुबह तक इसको ऐसे ही रहने देना है। और जब आपको फेस पे अप्लाई करना हो तो आप इसको ग्राइंड में मिक्सी में पीस लें अच्छे से,
तो ये था फर्स्ट स्टेप जो आपको फॉलो करना है, ओवरनाइट आपको इसको पानी में भिगो कर रखना है। अब मैं आपको सेकेंड स्टेप बताती हूँ। तो आप देख रहे हैं मैंने ये मिक्सी में अच्छे से इसको ग्राइंड कर लिया है और ये ऐसे बन चुका है पेस्ट मोटा सा। और अब हम इसको अपने फेस पे अप्लाई करेंगे। तो ऐसे ही आपको सेम करना है, बिल्कुल पानी नहीं होना चाहिए। जैसे ये है सेम ऐसे ही आपको मिक्सी में ग्राइंड करना है। अब मैं आपको नेक्स्ट स्टेप में लगा के दिखाऊंगी। थर्ड स्टेप ये है, मैंने बना लिया है पेस्ट। अब मैं आपको ये अपने फेस पे लगा के दिखाऊंगी। मैं पहले ही आपको बता देती हूँ कि ये थोड़ा मैसी हो जाएगा, थोड़ा बहुत ये नीचे गिरेगा भी, बट आप उसको अवॉइड करिएगा, बट लगाइए जरूर क्योंकि ये बहुत ही अच्छा पैक है। और ये जो है ये आपके एक्ने परमानेंट गायब करेगा, तो इसलिए जरूर लगाइए, ये बहुत ही अच्छा है। अब मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। ये थोड़ा बहुत गिरेगा तो इसको गिरने दीजिए, कोई बात नहीं है, बट ऐसा नहीं कि आप गिर रहा है आपको इरिटेशन हो रही है तो आप इसको ना लगाइए। ये आप लगाइए क्योंकि ये मैंने खुद अपने फेस पे अप्लाई किया है और मुझे काफी अच्छा रिजल्ट मिला है इसका। ये जब मैंने फर्स्ट टाइम लगाया था तो मुझे भी बहुत इरिटेशन हुआ था कि क्या है इतना गिर रहा है नीचे, लेकिन अब आपको अपने एक्ने दूर करने हैं तो थोड़ा तो अवॉइड करना ही पड़ेगा। ये जब आप ऐसे लगाएंगे ना तो ये खुद ही ऐसे चिपक जाएगा आपके फेस पे। तो आप देख रहे हैं मैंने अपने फेस पे लगा लिया है और सेम आपको ऐसे ही अपने फेस पे लगा लेना है और इसको आपको तब तक रखे रहना है जब तक आपका फेस ड्राई नहीं हो जाता है। आराम से इसको आधे घंटे तक लगा के रखिए और उसके बाद अपना फेस वॉश कर लीजिए सिंपल वाटर से। तो अब मैं आपको ये सुखाने के बाद और फेस वॉश करने के बाद मिलती हूँ। तो जैसे आप देख रहे हैं मैंने अपना फेस वॉश कर लिया है और मेरा फेस एकदम लग रहा है फ्रेश और क्लीन। और सेम आपको ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको जैसे बताया है सेम आप भी अप्लाई करिए और रोज लगाइए, चाहे आप सुबह लगाइए, शाम लगाइए, दोपहर लगाइए, लेकिन लगाइए जरूर और मिस मत करिए। और यही था आज का वीडियो और ये बहुत ही अच्छा है फॉर पिम्पल, फॉर एक्ने, फॉर स्कार्स, एवरीथिंग। तो आप इसको लगाइए और इससे क्या होगा कि आपके पिम्पल और एक्ने प्रॉब्लम तो दूर होगी ही होगी और थोड़ी थोड़ी ना ये आपकी फेस को ग्लो भी करेगा। जैसे आप देख रहे हैं मेरा फेस एकदम फ्रेश और ग्लो ग्लो कर रहा है और मैंने फिलहाल कुछ भी नहीं लगाया, मैंने सिर्फ अपने फेस पे वॉश करने के बाद मैंने क्रीम लगाई है, मॉइस्चराइजर क्रीम लगाई है और लगाया है लिप बाम। तो ये था आज का वीडियो और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर कीजिए एंड प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो देखकर आप इसको फॉलो कर रहे हैं और अगर आपको ये फायदा हो रहा है, डेफिनेटली फायदा होगा, जब मुझे फायदा हो रहा है तो डेफिनेटली आपको भी होगा, बट आप इसको रेगुलर लगाइए तो ही फायदा होगा। और अगर आपको इसका रिजल्ट अच्छा मिलता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब मैं चलती हूँ, फिर से मिलूंगी नए वीडियो के साथ, तब तक आप मेरे चैनल पे बने रहिए और देखते रहिए मेरा चैनल और मैं फिर से नया वीडियो लाऊंगी आपके लिए। सो तब तक के लिए बाय एवरीवन, स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी।